लोगों ने यूज में लाना है, ठीक है बच्चों। और एक मरतबा उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि ये रिपीट एग्जाम में आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये नोट्स में एमसीक्यू देंगे, ठीक है बच्चों। ये अलग से एक्स्ट्रा निकाले बेटे। अच्छा टेस्ट टू हमारा हो चुका था, यस सर। देखो ये वाला देखना, जाहिर यस सर, बता देना ये हो चुका था, देखो यस यस हो गया। हाँ हमारे से हो चुका, साथ में हो चुका था, आठवां निस्मत केट वाला हो चुका था, प्रेजेंडर वाला, जैकब लेटर, ये हुआ था जैकब लेटर वाला, नहीं ये नहीं बता सर, एक मिस हो गया था, 11 आई थिंक, हां 11 मिस हो गया था वेलफेयर, हां 10 मेरे ख्याल से, 10 तक हुआ था मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है? नहीं हो तो पूरे गए थे, मगर 11 शायद आपने मिस कर दिया था एक बीच से। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, याद मुझे आ रहा है। इसका आंसर है इन द नॉवेल द प्रिंस ऑफ ज़ैंडा, जैकब लैडर वाज एक्चुअली अ, जैकब लैडर को नाम क्या दिया एज अ पाइप, क्या ये पाइप, पाइप है। अच्छा पता है क्या हुआ सर, जैकब लैडर को, अच्छा लिखा हुआ लैडर ना, तो लोग समझते हैं ड्रॉ ब्रिज के, जबकि लैडर था बच्चों पाइप था, जो कि बहुत कमजोर पाइप था नॉवेल के अंदर। इस पाइप के बारे में रुपर्ट कहता था कि बादशाह के बारे में, अगर ज्यादा ड्रामे करोगे तो मैं आपको पाइप से नीचे गिरा दूंगा, डायरेक्ट पहुंचो जहन्नम पहुंचोगे आप। तो पाइप का नाम क्या दिया उसने, जैकब लैडर, जहन्नम उतरा पहुंचाने का रास्ता, ठीक है ना, अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये भी हो गया, 12 हो चुका था हमारा, 12 नजर सर, 12 भी शायद रह गया था, क्या 13 से कर रहा था, 12 ध्यान में नहीं है ये बात। हॉवेल टू टॉक, ये हो चुका, हां ये हो गया ना, मेरे की वाइफ बोलते हैं अपने शौहर को, यस सर ये तो हो गया था, हेलो टेलर, हां ये भी हो चुका था, ये भी मुझे याद आ रहा, मुझे याद आया, और ये भी है, यहां देखो एंड देन टेस्ट क्यों मुकम्मल हो गया हमारा ख्याल से, यस सर, है ना। चलें स्टार्ट करते हैं टेस्ट थ्री बच्चों, ओके जरा सुनिए गौर से। अब यहां पर हमारे पास नंबर टेस्ट थ्री में आते हैं क्वेश्चन वन पे, सब सुने गौर से, मैं इसकी बैकग्राउंड बता जाऊंगा, बैकग्राउंड भी इसका बताऊंगा, ठीक है आपको। द पोयम यूलाइसिस हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये पोयम को कंपोज किया यूलाइसिस को, पता है आपको, एनीवन नोज इट, नो वन नोज इट, इसका आंसर है टेनिसन है। यूलाइसिस पोयम को कंपोज करने वाले पोयम का नाम क्या है, टेनिसन, ठीक है। अभी भी लेक्चर दे रहा हूँ, जब रिकॉर्डिंग लेक्चर मिले तो एक बार देखो दिमाग में बैठ है पूरे वर्ड, ठीक है। नंबर टू देखिए सुने, द डिवोटेड फ्रेंड इज बेस्ड अपॉन कॉमिकली वन साइडेड, जानसार दोस्त जो कहानी है, जो ये स्टोरी है, इसमें वन साइडेड क्या है बच्चों, वन साइडेड फ्रेंडशिप, शाबाश। कुछ जो आपको आते हैं मुझे बोल दो, ठीक है, जो आपको आते हैं फौरन बोला करो ताकि आपको फायदा हो, सॉरी ठीक है। तो जानसार दोस्त के अंदर दोस्ती है, वो वन साइड है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, ये जरा मुश्किल है, समझता नहीं। थर्ड थर्ड देखिए बच्चों, आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के नगामे के बाद, द लीडरशिप जो थी, लीडरशिप हुक्मरानी इन पावर एंड कल्चर पास टू द डैश, शुरुआत में पावर था यूरोपियन के पास, रोमन एम्पायर के पास था, फिर वो जंग लड़ने के बाद पावर वो यूज कमजोर हो गए, जब वो कमजोर हो गए तो पावर ट्रांसफर हो गया, कहाँ ट्रांसफर, गैस करें बच्चों, ईस्ट, शाबाश। रोमन एम्पायर के लॉस होने के बाद पावर कहाँ मूव हो गया बच्चों, ईस्ट पर हो गया, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन द री अवेकनिंग, चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन द Reawakening is written by Lord Russell. Okay. ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नंबर फोर पर आ जाएं। नंबर फोर हमारे पास क्या है, द वर्ल्ड एज आई सी इट, एक और चैप्टर हमारा, द वर्ल्ड एज आई सी इट रिटन बाय, ये एक चैप्टर है सेकेंड ईयर का, क्रॉस सेक्शन का, इसको लिखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तीन चैप्टर बड़े बोरिंग चैप्टर है आपके सेकेंड ईयर में, पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड रिटन बाय लखत अली खान, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग रिटन बाय लॉर्ड रसल,
द वर्ल्ड एज आई सेड रिटन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, याद है क्या आपको? यस सर. ओके, डैम ब्रोक इज रिटन बाय, कौन चैप्टर है नाम बता रहा मैं, डैम ब्रोक इज रिटन बाय जेम्स थर्बर है. ऑस्कर वाइल्ड, अच्छा वो जानसार दो जो है रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड है. अगंटब इज रिटन बाय फ्रैंक ऑर्थर है. ठीक है, छह चैप्टर है जो आपको बता दें मैंने आपको, जैसे सुन लेगा दोबारा और से दिमाग में आ जाएगा. ठीक है, अब यहां पर एक दिया हुआ है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि इंसान जो है वो जब खुश रहेगा खूबसूरती को देखेगा तो उसकी खुशियां कभी भी खत्म नहीं होती है. लाइक अ इमोर्टल ड्रिंक, ऐसी प्यास जो बुझने ना पाए, दैट इज कॉल्ड इमोर्टल ड्रिंक. पोरिंग अनटू द फ्रॉम हेवन स्प्रिंग, जो हमें आसमान से जन्नत से हमें मिलती है, ये जो लाइन गिवन है इस ये लाइन एंड एंडलेस से लेकर कहां तक है, हेवन ब्रिंग्स, इसका आंसर जो है वो ये होगा बच्चे, आंसर क्या इसका है, एंडेमियन. ये एक राइट पोएट था, इसने ये लाइन को मेंशन किया है, तो पोएट नेम क्या है, एंडेमियन. ठीक है, साउंडिंग फरोज, ये मैंने आगे बताया था आपको नुजैर. Yes, साइंडिंग फरोज की मीनिंग क्या होती है, साउंडिंग फरोज की मीनिंग है नॉइजी वेव्स. साउंडिंग फरो मीन्स नॉइजिंग वेव्स. ठीक है, साउंडिंग फरो मीन नॉइजी वेव्स है. आगे बढ़ते हैं, नंबर सेवन देखिए बच्चों, ये जेंडर से आगे दोबारा. द मैन इम्प्रिजन इन जेंडर वॉज, जिस शख्स को जेंडर में कैद किया गया था कौन था बच्चों, बताए आपको वो, बताओ कोई बताए, रडोल्फ एल्बर्ट. शाबाश, वो था असली बादशाह, नाम क्या उसका है, रडोल्फ एल्बर्ट. ठीक है, जिस शख्स को माइकल ने जेंडर में किले में कैद कर दिया था वो उसका बड़ा भाई, वो कौन था, रुडोल्फ एल्बर्ग था. ठीक है, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हमारे पास है मिसेज जोन, ये किस चैप्टर का है, ये चैप्टर हमारा है सिल्वर बॉक्स का है, नंबर आठ में देखिए उसके चैप्टर का है, सिल्वर बॉक्स का है. मिसेज जॉन वर्क्स एट द हाउस ऑफ, ये जो मासी थी मतलब जॉन, ये काम करती थी किसके घर, पता है आपको, बार्थ. शाबाश, मिस्टर बार्थ, ये इसका है, वेरी गुड. कौन बोलेगा आंसर, तो वो जो नौकरानी थी, जो चार वमेन थी, वो जॉब कर रही थी कहां पर, बार्थ. वो कहां जॉब कर रही थी, वो मिस्टर बार्थिक ने. ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर नाइन पे आते हैं. नाइन पे द मोस्ट सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, ये हमारा कौन सा बच्चों, ये रिफ्लेक्शन चैप्टर का है, नंबर नाइन देखिएगा. द मोस्ट सिनिस्टर मीन गुनगा, गंदी खराब इवल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इज इन रिगार्ड टू डैश, सबसे खराब जो जॉब है साइंस में कौन सी है, वो वेपन्स ऑफ वॉर. शाबाश, यानी कि सबसे इवल वर्क जो है वो साइंटिफिक वर्क में कौन से है, वो वेपन्स ऑफ वॉर. साइंस पे तरक्की तो करनी है बट ज्यादा तरक्की नहीं करनी है आपने, इसलिए रजल ने कहा कि वेपन्स ऑफ वॉर सबसे खतरनाक क्या है, सिनिस्टर एप्लीकेशन है. ठीक है, रिपीट होते हैं. ठीक है बच्चों, गुड गुड जॉब जूम यूजर, और यूजर हमारे वो जूम यूजर है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर आते हैं टेन पे आते हैं. द कॉरोनेशन सेरेमनी ऑफ रुडोल्फ रेजेंडाय एल्बर्ग टेक प्लेस इन, ये जो असली बादशाह के ताजपोशी का प्रोग्राम था कहाँ पे वो बतावक्का होने वाला था, मालूम है आपको, इस्तांबुल. हाँ,
शाबाश, ये था स्टालसो, ऐसे यूए स्टालसो के स्टालसो में, ये स्टालसो क्या है बच्चों, ये है रोहतांग का क्या है कैपिटल शहर है, स्टालसो क्या है रोहतांग का कैपिटल शहर है, ठीक है। अब आते हैं ये वाली पोम, कौन सी पोम है, दस उन्नीस गॉड से, पहले लाइन पढ़ते हैं, होप स्प्रिंग इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, जब तक इंसान जिंदा है उसके सीने में दिल जोर से धड़कते रहता है, मैन नेवर इज, इंसान कभी भी, बट ऑलवेज टू बी प्लेस, इंसान कभी भी अपने आज से खुश नहीं होता, हमेशा चाहता है कल मेरा आज से क्या हो, काफी बेहतर हो। ये लिखा हुआ पोम, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम, किस पोम से लाइन लिखी है पता है आपको, ये एनीवन नोज इट, गैस करें मुजम्मिल, गैस करो बेटा, गैस कर, मैन ऑफ लाइफ, इसका आंसर बेटा है कुदरत आए में, इसका आंसर है एन एसे ऑन मैन, ये पोम है कंपोज बाय अलेक्जेंडर ने लिखा, ठीक है, इसको ये एसे ऑन मैन पोम का है, ठीक है बच्चों, नंबर 11। कभी कभी बुक की लाइंस भी आती, ठीक है बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस बुक की इसमें आई हुई है वो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आप नोट करने का और से इसको। नंबर आते हैं 12 पे आते हैं, लेडी बर्ड इज दैन, ये फैमिली कहाँ की, इंग्लैंड की फैमिली है, और ये किस लाइन के दिया भाई, एजेंडा का, ठीक है बच्चों, लेडी बर्डेन वॉज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, लेडी बर्डेन किसकी भाभी थी पता है आपको, लेडी बर्डेन वॉज द सिस्टर इन लॉ में भाभी होता है, किसकी भाभी थी वो, वॉइस रेजेंडाइल, शाबाश रुडोल्फ, नहीं रुडोल्फ रेजेंडाइल, शाबाश, ये इसका आंसर है, ये उसकी भाई सिस्टर इन लॉ थी, ठीक है बच्चों, गुड जॉब, अपना भी आपने आगे बढ़ने बोलते हो, ठीक है, जो आपको आ रहे हैं रिप्लाई करो, जो नहीं आ रहा है समझो गौर से। नंबर आते हैं 13 पे, शेक्सपियर हैज डिस्क्राइब सेकेंड चाइल्डिशनेस, शेक्सपियर ने दूसरी बार चाइल्ड को डिस्क्राइब किया, कौन सी एज को नाम दिया उसने, लास्ट स्टेज, शाबाश मेरा बच्चा, लास्ट स्टेज को नाम क्या शेक्सपियर ने दिया, सेकेंड चाइल्डिशनेस, लास्ट एज को नाम दिया सेकेंड चाइल्डिशनेस, गुड जॉब बॉयज, गुड जॉब, के बड़ा जितनी बार एमसीक्यू रिवाइज करोगे आपको काफी आसान होगा, बार बार बोलोगे तो आपको पकड़ लोगे आप, मसला नहीं आपके लिए, क्योंकि आपका ग्रैंड टेस्ट भी लूंगा, बड़ा खतरनाक ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। नंबर आ जाते हैं 14, सैमसन एगोनिस इज अ पोएट्रिक डैश, सैमसन एगोनिस पोएम है, ये शायराना क्या है, ये इज अ पोएट्रिक डैश, नॉवेल है, स्टोरी है, ड्रामा ऐसे, ड्रामा, शाबाश, कौन है, कौन बोल रहा है, ये कुदरतुल्ला सर, ओ मेरा बच्चा, ओ कुदरत बेटा, पिला मैं तुमको खमेर से बैठ के दूं, अब ये फटाफट बोले आ रहे, आज हम कहाँ चले गए कॉलेज के क्लास के बाद, अचानक चले गए, कहाँ चले गए थे सर, वो घर में थोड़ा सा काम थे इसलिए, मैंने कहा पता नहीं खड़े अल्लाह खैर करे, मैंने पूछूंगा बाद में से, अचानक चले गए क्योंकि मैंने आज क्लास में जेंडा का बात है ना, क्लास में फिनिश में, जी सर, अच्छा नंबर आ जाते हैं 15 पे आते हैं बच्चों, देखिए एलजी में क्या होता है, एन एलजी इज अ पोम विच शोज द इमोशन ऑफ, एलजी पोम में क्या इमोशन शो करते हैं, और से पढ़े, जॉय शो करते हैं, करेज, एंगर और अफसोस, करेज, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर है सैडनेस, एलजी की मीनिंग क्या होता है, गम करना, मातम करना, सैडनेस भी वर्ड है, एक और वर्ड अभी कभी कभी आता है वो ये है, वो है ये भी वर्ड है, ठीक है दो वर्ड, ठीक है कौन सा वर्ड है, सैडनेस और मॉर्न, एम ओ यू है, ठीक है, यू मीन क्या होता है, गम करना, एक सुबह होता है एम ओ आर एंड मॉर्न, ये मॉर्न है, ओके यूजर, जूम यूजर की आवाज, जूम यूजर, ओके माशाल्लाह, जूम यूजर का एक और हमारे
टेक्स्ट पे रिप्लाई हो रहा है Zoom यूजर ने, तो आंसर माशाल्लाह पूरा टिक आ रहा है माशाल्लाह, क्या बात है, गुड जॉब, कीप इट अप। तारीफ कर दूं, कीप इट अप। अगला हमारा कौन सा है, नंबर है, सेक्शन पे आ जाए, सेक्शन पे दिया बच्चों, द प्रिजनर ऑफ ज़ांडा इज राइटली कॉल्ड अ डैश। इस नॉवेल को क्या नाम दिया गया है, ड्रामा, रोमांस, शॉर्ट स्टोरी, मेलोड्रामा? मेलोड्रामा। नहीं नहीं नहीं, मैंने बात सुने, इसने भी कहा ना मेलोड्रामा वो ड्रामा एक ही मौत होती है, इसमें तो बहुत से बंदे मरे बेटा, मेलोड्रामा में क्या होता है एक बंदे की मौत, जैसे अकंटम में वो कौन सा ड्रामा है, मेलोड्रामा है, ठीक है, तो इसका आंसर है रोमांस होगा, ठीक है, हल्के नहीं करेंगे बॉयज, मेलोड्रामा कैसे कहते हैं, इसमें एक बंदे की क्या होती है, मौत होती है, ठीक है, ज़ांडा में तो बहुत बंदे मरते हैं, माइकल मर जाता है और उसके जाबाज सिपाही मर जाते हैं, बहुत से बंदे मरते हैं, ऑफकोर्स ये मेलोड्रामा नहीं, कौन सा है भाई, ये रोमांस इसके तरह राइटली कॉल्ड अ रोमांस। ओके आगे बढ़े, जब ये आते हैं, अच्छा इस फॉर्म के दो ही आते हैं रिक्यूज, सुनने गौर से समझने, देख ले गौर से, ये पोएम मैंने पढ़ाया नहीं क्लास में, इसके दो एमसीक्यूज ऑनली आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, द पाकिस्तानी पोएट जी अलाना हैज रिटन द पोएम, ये पाकिस्तानी शायर थे, नाम है गुलाम अलाना, जी फॉर गुलाम अलाना, इन्होंने पोएम लिखी है कौन सी, द लॉस्ट स्टार। ओके आवाज आ गई, एक आवाज आई, ठीक है, इतने सारे आवाज आई बहुत देर बाद, इसका आंसर है द लॉस्ट स्टार है, दूसरे एमसीक्यू क्या इसका आते हैं, The lost star was written by Dash. क्या आंसर होगा? बोल दो भाई। पाकिस्तान पोएम अलामा। हाँ, तो आंसर जी अलाना। ठीक है बेटा, दो आते हैं इसके। हमें अलग पास क्या लिखा भाई? यानी कि lost star किसने लिखी? और जी अलाना कौन सी पोएम लिखी है? दो ही इसके एमसीक्यू हमें से घूमे हैं। देखना भी आपको आपके 10 मिनट्स में दिखा रहा हूँ आपको। ज्यादातर ये एमसीक्यू आएंगे, बार बार आएंगे। इसलिए आप दो को पकड़ो। ठीक है बेटा, बॉयज अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? Yes, sir. Okay, respond कर यार, एक गर्ल आ गई है, रिस्पॉन्ड दो ना फटाफट आप लोग यार। ओके आगे बढ़ते हैं, नंबर आ जाए 18 पर आ जाए, द साइंटिफिक टेक्निक वॉज कंसिडर्ड बाई बर्ट्रंड रसल एज द मेन वेपन ऑफ द न्यू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, नहीं ना ना वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, बादशाहत, शहंशाहियत, यानी कि साइंटिफिक, यानी कि वेस्टर्न ने इतनी ताकत गेट कर ली साइंस के अंदर कि वो साम्राज्य हुकूमत बना लिया, एक बंदा सब पे हुकूमत कर रहा था, सब बेहिस हो गए, इसलिए जंग लड़ लिया लोगों ने, तो इसका आंसर है इंपीरियलिज्म, इसके मीनिंग है शहंशाहियत या फिर फौजी हुकूमत। ठीक है, ये आगे दोबारा आएगा बच्चों सामने, बोलना नहीं। ओके नंबर पर आ जाए, डॉक्टर मालोरी, ये चैप्टर कौन सा है, डैम ब्रोक का, ये डॉक्टर मालोरी लुक लाइक अ फेमस इंग्लिश पोएट, रॉबर्ट ब्राउनिंग। शाबाश, वॉइस सुन रहे हो आप, आंसर दो यार, रॉबर्ट ब्राउनिंग का आंसर है। ये पाकिस्तान मॉडर्न वर्ल्ड का है, ये नंबर 20 है, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान इज अ न्यू स्टेट और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डैश, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, पावर, न्यू कंट्री, कंट्री, ओके, एक 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 बिल्कुल रुक रुक रुक, ये नहीं है, डेमोक्रेसी का आंसर है।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये मुझे बताएं कि 1 से लेकर 20 में इस टेस्ट नंबर कौन सा माना था, ये टेस्ट नंबर है ये 3 कौन सा है 3 है। एनी क्वेश्चन दैट गिव ट्रबल बेटा, एनी ट्रबल? नो सर। आगे बढ़ाया जाए टेस्ट 4 में। ओके आगे बढ़ते टेस्ट 4 आज का लास्ट है ठीक है, नींद आ रही है मुझे बहुत टाइट। चले टेस्ट 4 पे आते हैं। ओके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि खूबसूरत चीज जो लाइफ को जीने के बहुत अहम जरिया है। द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पोम, ये पोम का नाम क्या है, ये इस पोम की मशहूर लाइन कौन सी है, इस पोम की मशहूर लाइन ये वाली, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। जब भी ये लाइन आ जाए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका आंसर है एंडामियन है ठीक है। वॉइस के बाद बिल्कुल नहीं आ रही, क्या वॉइस गड़गड़ कर से क्या लैस हो गए क्या? नहीं नहीं सुन रहा भाई आवाज, तो कल तो बात बहुत निकल रही थी, आज तो तुम्हारी आवाज निकल रही है। एक फीमेल क्या क्लास में आ गई, तुम्हें आवाज की आवाज बंद हो गई आज तो, कुदरत आवाज ही तुम्हारी नहीं आ रही आज तो। चले कोई बात हम सुन लेंगे सर। ओके ओके ओके, बोलते हो रिप्लाई भी करो ना बेटा, अपने आप को फ्रेश करो ना बेटा, बोल के बोला करो ना। ओके सेकंड देखे बच्चों, टू डी थ्रोन में क्या है, तख्त चढ़ाना, तख्त चढ़ाने के लिए टू डी थ्रोन किंग एल्बर्ग, किंग एल्बर्ग को हटाने के लिए तख्त चढ़ाने के लिए ब्लैक माइकल हायर्ड द सर्विस ऑफ द गैंग ऑफ, जो उसने हायर किए थे गैंग को, कितने थे बोलो, बॉयज की बारी है। Six. शाबाश, माइकल ने 6 बंदे हायर किए थे अपने बड़े भाई के साथ को हटाने के लिए। थर्ड पे आ जाए, द बेसिक पॉइंट ऑफ द पोम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट इज, इस पोम के मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, हम मुझे बताएं क्या होगी, लग्जूरियस लाइफ, ऑनेस्ट लाइफ, dishonest life, aimless life, क्या होगा? Honest. क्या होगा बेटा? इसका आंसर है honest life, इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है honest life, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सैम, ये बहुत आसान सा है। Samson was taken captive through the treachery of his wife by the dash. उसकी वाइफ कौन थी? बोलो भाई। फिलिस्तीन। शाबाश। कौन थी उसकी वाइफ? वो गद्दार थी, दगाबाज थी, कहाँ की रहने वाली थी? फिलिस्तीन रहने वाली थी। फिलिस्तीनी सी देखिए। ये रिपीट हो गया बच्चों। बोलूंगा नहीं मैं, जल्दी बताओ। I saw singing at her word. Here I mean, जल्दी volleyball, हाँ हजरत 4 सर D, शाबाश, Wordsworth, William Wordsworth, very good, according to the Ulysses, कौन सी poem है ये, line from Ulysses, old age hath given has, hath की meaning क्या होता है, has, yet is owner and is डैश, यानी कि कहता है उम्र दराज हो गए हम, फिर भी हमारे में इज्जत और क्या है, हिस क्या होता है, गैस करें, इसका आंसर रहेगा तो आई ले, ट्वेल्थ के मैंने क्या होता है, हार्ड जॉब, ठीक है बच्चों, ट्वेल्व की मीनिंग क्या होता है, हार्ड जॉब, तो कहते हैं राइटर पोएट कहता है हमारी उम्र बड़ी हो गई है, हमारे अंदर हम बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी हमारे अंदर क्या इज्जत और हार्ड जॉब कर सकते हैं, ट्वेल्व मीन हार्ड जॉब, सख्त काम करना, ट्वेल्व की मीनिंग है हार्ड जॉब। सेवन पे आ जाए, द प्रिंस ऑफ ज़ांडर इज रिटर्न बाय, जल्दी बताओ आसान सा है,
सर एंथनी होप। शाबाश, जो आ रहे हैं फॉर्म बोले बेटे के, जो नहीं आ रहे हैं सुना करो मैं क्या बता रहा हूँ, जो आ रहे हैं मुझे फॉर्म उसको बताएंगे आप लोग। ओके नंबर पढ़े, एट पढ़े, एट में क्या लिखा भाई, आउट ऑफ द सिक्स हायरलिंग, जो छह गुंडे माइकल ने हायर किए थे, द थ्री रुटानियंस आर, तीन जो थे रुटानियन में, आर लैंग्राम था एक, दूसरा क्राफ्टिन था, थर्ड कौन था? डेडशॉट। कौन था? कुदरत। डेडशॉट। कौन था? तीन रुटानियन में लैंग्राम था, क्राफ्टिन था, तीसरा कौन था बच्चों? डेडशॉट। नहीं ये था डेड चार्ट, तो बटा था फॉरनर था डेड चार्ट, ये वाला जो है डेड चार्ट, ये फॉरनर है, ये भी बर्सलिन फॉरनर है, तब नाम याद करना पड़े बेटा, फॉरनर है और डिगॉटेड भी फॉरनर है, डिगॉट रहने वाला कहा फ्रांस का था, बर्सलिन बेल्जियम का था, डेड चार्ट इंग्लिश था, रूपर्ट कहाँ का था बच्चो? रोटानिया का था, इसलिए तीन उठाने में लॉन्ग्राम क्राफ्टिन और रूपर्ट था, ठीक है याद है आपको? यस सर। ये पोम के वर्ड में से लिया गया माय लीज, माय लीज के मतलब क्या होते हैं? माय लॉर्ड, इसके मीनिंग क्या होते हैं? लॉर्ड, ठीक है ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया नोट कर लेगा, माय लीज के मीनिंग है माय लॉर्ड है। टेन पे आ जाएं, द ओल्ड एंड न्यू पोर्शन ऑफ द कासल ऑफ जैंडा वर कनेक्टेड बाय, न्यू किले को मिलाने के लिए ओल्ड किले में एक चीज जुड़ती थी, ओल्ड किले से मैं अगर जाते थे न्यू किले में या न्यू किले से ओल्ड में जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया था, व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या था वो, गेस करो। ड्रॉब्रिज। शाबाश, वो था ड्रॉब्रिज, न्यू किले से ओल्ड किले में, ओल्ड से न्यू को मिलाने के लिए क्या था बच्चों? एक पोर्टेबल ड्रॉ ब्रिज था, ठीक है। शाबाश, कुछ आपको आते हैं कुछ जो नहीं आ रहे मैं आपको बार बार उसका एक्सप्लेन करो, ठीक है। देखिए लेवन, देखे द थिंग दैट गेव द जेंटलमैन करेज टू लीव वाज द कोल्ड गर्ल, ये कौन सा प्रकार है? ये है ओकनटप का है, उस आदमी को कोरियन गर्ल की किस चीज ने हिम्मत दी बताएं भाई? ब्राउन आइज। नहीं नहीं नहीं, स्माइल 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 स्माइल, यानी कि उस कोरियन गर्ल की उस आदमी को स्माइल ने हिम्मत दी, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी इस जैसी होती, इसलिए वो आदमी को जीने की तमन्ना जाग उठी। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा? यस सर। हाँ तो आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैन इज, आखिर में कौन सा होता है लाइफ का इंसान का? थिन एंड वीक। पढ़ो चार ऑप्शन को। थिन एंड वीक। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर क्या है? इन ए स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, क्या होता है? भुलक्कड़। सातवें दौर में इंसान क्या होता है? हाफजा कमजोर, मेमोरी गायब, भूलने वाली याद होती है, फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? फॉरगेटफुलनेस। याद है आपको? पेन पे आ जाए, आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था किसने बच्चों, पता है आपको? Six. तो आपको मालूम, आप फिजिक्स पढ़ते हो, इसका आंसर क्या है बच्चों? फिजिक्स। हाँ, आइंस्टाइन को फिजिक्स पे क्या मिला उसको? नोबेल प्राइज देगा बच्चों। पढ़ने देखें, रूपर्ट भंजाओ वाज मैड आफ्टर, किसके पीछे पागल हुआ था रूपर्ट? रूपर्ट जो था सबसे खतरनाक दुश्मन, गुंडा था, इस नॉवेल में किसने पागल हुआ था वो? कौन बताओ? Yeah.
रुपर्ट हैंड्स ऑफ किसने पागल हुआ होता? वो बैंड पर पागल हुआ, वो बैंड पर ठीक है। जेम्स थर्बर, जेम्स थर्बर इज वन ऑफ द फोरमोस्ट। जेम्स थर्बर कौन सा राइटर है? डैम ब्रोक का। डैम ब्रोक राइटर का नाम क्या है? जेम्स थर्बर, या शॉर्ट में बोलते हैं जे जी थर्बर। ठीक है, जेम्स थर्बर वाज इन वन ऑफ द फोरमोस्ट। क्या था बच्चों? मशहूर क्या था वो? मिर्ज़ा निगार था। मशहूर कौन था वो? मिर्ज़ा निगार था। जेम्स थर्बर वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट ह्यूमरिस्ट। के मीन क्या होता है? मिर्ज़ा निगार, जोक करने वाला, मजाकिया राइटर। ओके, नंबर आ जाए, ये रिपीट होगा बच्चों, बताओ ये वाला। हाउ वेल यू टॉक, रियली आई फील क्वाइट ड्राउजी, इट इज जस्ट लाइक बीइंग इन अ चर्च। द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज, ये लाइन कौन बोलता है? मिलर्स वाइफ। शाबाश, मिलर की बेगम बोलते हैं अपने शौहर के बारे में। कितनी अच्छी बात है, अजीब, आप कितनी प्यारी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊं, मैं कहां बैठी हुई? चर्च में बैठी हुई, किस जगह में बैठी हुई? बताओ भाई, भी बोली शौहर के बारे में, शौहर फेंक रहे हैं, बेगम उसे पुजारी हुई भी है। अच्छा, नंबर 17 पे आ जाए। According to Bertrand Russell, chapter कौन से? Reflection। आपको chapter के जो writer का नाम याद करना पड़ेगा। According to Bertrand Russell, Europe was sunk in debt। Europe कहाँ डूबा था? जब East वाले life enjoy कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे, science में, industry में, तो Europe country कहाँ डूबी हुई थी? Barbarism। शाबाश, ये नुजाने बोला, नुजाने तुम्हें बोले हो ना ये? Yes, sir। ये था barbarism था। अलगानी था, अलगानी का आंसर है वो है मुबैन, मुबैन था अलगानी। ठीक है ना, एंड पे आ जाएं। जुलाइसिस बाय लॉर्ड अल्फर्ड टेनिसन इज अ डैश। वैसे पोएम जो है वो अल्फर्ड बाय टेनिसन, ये कौन सी पोएम है? ये वैसे पोएम जो लिखा किसने? टेनिसन ने। कैसी पोएम है ये? एपिक। हाँ, एपिक। एपिक में क्या होता है? वॉर वाली पोएम नज़म है, वो नज़म जो कि जंग में कही जाती लड़ने के हवाले से। एपिक में वॉर वाली पोएम, वॉर के दौरान जो नज़म लिखते हैं इंस्पायर करने, दैट इज कॉल्ड एपिक कहते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट पे आ जाए आज के। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, द आइडियल व्हिच लाइटेड हिम इन हिज वे हैव बीन ट्रूथ गुडनेस एंड डैश। वो सोचता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपके ख्याल में जो आपकी लाइफ को खुश आयन कर देती है, रोशन कर देती है, वो क्या है? वो सच्चाई है और अच्छाई है, और क्या एक बड़े? Honesty। नहीं, गैस करो दूसरा। Reality। नहीं बेटा, ये सच्चाई, अच्छाई, खूबसूरती जो आपकी लाइफ को करती है, रोशन करती है। लाइफ में सच्चाई होगी, अच्छाई खुद आएगी, जब अच्छाई होगी तो ब्यूटी आएगी। बच्चों ये लिंक है ना, अगर आप सच्चे हो तो आप अच्छे हो, अच्छे हो तो आप खूबसूरत भी हो। कैसा? आखिरी आज क्या बच्चों? बर्ट्रम बर्ट्रान, ये नॉवेल का है। बर्ट्रम बर्ट्रान इज अ पोएट एंड अ डैश, एक पोएट था और क्या था वो? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट, यस, वंडरफुल। बर्ट्रम बर्ट्रान की दो क्वालिटी है, he was a poet and a journalist in critic। ये अखबार का नाम है, नाम क्या उसका अखबार का नाम क्या है? क्रिटिक। उसमें क्या था? ऐसा जर्नलिस्ट था। ठीक है, तो आज का टेस्ट फोर बच्चों हमारा, हाँ पूछना कुछ? आज के लेक्चर हमने
दो टेस्ट कवर अप किया आज हम लोगों ने, दो ढाई किया हम लोगों ने, टेस्ट फोर कर लिया, टेस्ट थ्री पूरा किया। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट थ्री टेस्ट फोर में कुछ पूछना तो नहीं है आपको बेटा? अच्छा, आपने जो लेक्चर दिया है भाई उसको आपने अंडरस्टैंड किया? रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दो कुछ देर के बाद, उसके बाद वॉच करने बाद पक्का कर लें। कुछ भी अगर ना आए तो कल की क्लास है, मुझसे पूछेंगे। कल के बाद जो है वो आपकी क्लास होगी पीएचटी की बच्चों, ठीक है? कल की थ्री डेज पीर मंगल बुध इंग्लिश क्लास है। अच्छा, कल क्लास 10 बजे, ठीक है बच्चों? कल क्लास कितने बजे आपकी है? 10 बजे कल क्लास आपकी इंग्लिश की, ठीक है? फर्स्ट डे की 11 से 12 है, आपके 10 से 12 11, ठीक है बच्चों? रिमेम्बर, और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बताओ क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। अपने फ्रेंड्स को, कोचिंग फ्रेंड को, कॉलेज फ्रेंड को लिंक सेंड, लिंक तो सेंड नहीं करना है, बताना है। ठीक मत करना भाई, ठीक है? उन्हें बताना है ये क्लास चल रही है, काफी फायदा पहुंच रहा है, ताकि यहाँ बच्चे और ज्यादा ऐड हो। ठीक है बेटा? जी सर। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कल व्हाट्सएप लाते पूछेंगे आप, ठीक है? ओके सर।